हेलो गाइस, वेलकम टू सुमित व्लॉग 27। तो आज हमारे साथ में जो है प्रीमियम सेडान कार होंडा सिटी, और ये इसका आप ZX MT वेरिएंट देख रहे हैं, जो कि आज हम बात करेंगे इसके जो है 2024 में आपको कौन कौन से फीचर्स एड ऑन किए गए हैं इस गाड़ी में, और इसकी माइलेज वगैरह ऑन रोड प्राइस वगैरह कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। सामने से देखने पर होंडा सिटी आपको कुछ ऐसा ओवरऑल लुक ऑफर करती है। यहाँ पे आपको सेंटर पे अगर किसकी ग्रिल की बात करें तो यहाँ क्रोम एलिमेंट का यूज करते हुए नीचे होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, और अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो कुछ ऐसी LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी आपको गाड़ी में, और नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टोइंग हुक देखने को मिल जाएंगे, और कुछ ऐसा इसका जो है एरोडायनामिक डिज़ाइन के साथ फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। अगर गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई की बात करें तो 1748 mm यानी कि 1748 mm गाड़ी की जो है चौड़ाई है। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 यानी कि 165 mm गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो चलिए गाड़ी के चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि साइड से कार आपको कैसा लुक ऑफर करती है। तो साइड से गाड़ी कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है आपको, जहाँ पे आपको जो है इसमें आपको ए और जो है सी पिलर बॉडी कलर मिल जाएंगे, और बी पिलर आपको ब्लैक आउट देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको इसमें आपको अगर इसके व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 16 इंचेस के व्हील देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी, और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। इसमें आपको जो है ORVM पे साइड टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और इसके अगर जो है गेट ओपनर की बात करें तो क्रोम एलिमेंट के यूज करते हुए जिकर सेंसर मिल जाएगा आपको गेट ओपनर पे। तो अगर गाड़ी की हम जो है ओवरऑल जो है लेंथ की बात करें तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं, तो ये जो है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली 7 सीटर कार अर्टिगा से भी लंबी है। उसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4395 mm यानी कि 4395 mm है, और इसकी जो है अगर लंबाई की बात करूँ तो इसमें आपको जो है 4583 mm गाड़ी की लंबाई देखने को मिलेगी, यानी कि जो है तो आप सोच सकते हैं कि स्पेस वगैरह में तो काफ़ी अच्छी होगी कार। वैसे भी ये स्पेस वगैरह के लिए और अपने प्रीमियमनेस के कारण ही जानी जाती है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ, और आपको चेक करवाते हैं इसका बैक। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ आपको सार्कफिनिश एंटीना देखने को मिल जाएगा, और पीछे की तरफ आपको डिफॉगर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और सेंटर पे आपको जो है सेंटर माउंट स्टॉप लैंप वगैरह मिल जाएगी गाड़ी में। और इसकी कुछ रेयर लाइट कुछ ऐसी दिखती है, जहाँ पे आपको जो है LED जो है रेयर लाइट देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको जो है साइड टर्न इंडिकेटर और रेयर पार्किंग लाइट हाइलोजन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिटी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, और 4 जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे गाड़ी में। यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, सिटी का होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, और होंडा की गाड़ियाँ जो है IVTEC टेक्नोलॉजी के साथ में आती हैं, तो यहाँ पे IVTEC की बैजिंग देखने को मिल जाएगी कार में। तो गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको जो है चलिए ओपन करते हैं इसके। तो इसमें आपको जो है 506 लीटर का जो है डीप बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरा काफ़ी ज़्यादा डीप बूट स्पेस है, और ऊपर की तरफ मैं आपको चेकआउट करवाऊँ तो यहाँ पे आपको बूट लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप रात में अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी में कोई सामान वगैरह रखते हैं तो आपको कोई फ़ोन वगैरह कैरी नहीं करना पड़ेगा फ्लैश के लिए। तो अभी करते हैं इसको बंद। तो इसके अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 40 लीटर यानी कि 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी कार में। तो अभी चलते हैं गाड़ी के जो है इंटीरियर में, और आपको चेक करवाते हैं इंटीरियर में कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे गाड़ी में। तो जैसे हम रियर डोर को ओपन करते हैं, जैसे हम रियर डोर को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी हमें थीम देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लैक और जो है बेज कलर के साथ जो है क्रोम एलिमेंट का यूज किया गया है, जो कि प्रीमियमनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपको जो है पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रोम एलिमेंट का यूज करते हुए गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसके अंदर की बात करें तो कुछ ऐसी हमें अंदर इंटीरियर की थीम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 AC वेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो अभी चलिए बैठते हैं गाड़ी के जो है रेयर में, और आपको रेयर लुक वगैरह चेकआउट करवाते हैं कार का। तो अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, तो कुछ ऐसी अंदर से इंटीरियर वगैरह देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और आपको जो है ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को मिल जाएंगे
और यहाँ पे लाइट की बात करूँ तो LED लाइट देखने को मिल जाएंगी आपको गाड़ी में। तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, क्रोम एलिमेंट का यूज करते हुए गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको दो AC वेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में जो है आपको 12 वोल्ट का जो है पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको नीचे से दिखाऊँ, दो पावर आउटलेट देखने को मिलेंगे आपको 12 वोल्ट के इसमें। तो यहाँ पे आपको जो है ग्रे ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा साइड में, और यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे आर्मरेस्ट के साथ, और आपको तीन हेडरेस्ट तो मिलेंगे, बट ये जो है फिक्स्ड है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। तो पीछे से मैं आपको इंटीरियर का लुक चेकआउट कराऊँ, तो कुछ ऐसा इंटीरियर की थीम है पीछे से। तो चलिए चलते हैं अभी गाड़ी के आगे की तरफ और आपको चेकआउट करवाते हैं इसका जो है रियर केबिन। ड्राइवर साइड डोर की प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको जो है 4 पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है क्रोम एलिमेंट का यूज करते हुए जो है गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ट्यूटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर इसके जो है सीट की बात करें तो इसमें आपको जो है हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाएंगी, और कुछ ऐसी इंटीरियर की थीम देखने को मिलेगी गाड़ी में। यहाँ पे आपको जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, और हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा AC वेंट देखने को मिल जाएगा। और ये इसका जो है ZX जो है टॉप मॉडल, बट मैनुअल वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको ABC पैडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्यूल लाइट ओपनर देखने को मिल जाएगा, और जो है हुड ओपन करने के लिए जो है बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है बूट ओपन करने का बटन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इसके फीचर वगैरह चेकआउट करवाते हैं कार के। तो गाड़ी के अंदर अभी हम बैठ चुके हैं, और यहाँ पे आपको जो है अगर मैं चेकआउट करवाऊँ तो पूरे जो है ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और एक तरफ लॉक अनलॉक और 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाएगा, और हेडलाइट लेवलर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और कुछ ऐसी जो है अगर स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ ऐसी थीम देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे, एक तरफ होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है पूरा क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा जो है ग्रे ट्रीटमेंट का यूज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक तरफ RPM मीटर, दूसरी तरफ स्पीडोमीटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और जो है ट्रिप है ट्रिप भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। तो अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो कुछ ऐसा हमें इंटीरियर देखने को मिलेगा सिटी में, जहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक जो है डिमिंग वाला IRVM देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के लिए माइक वगैरह, यहाँ पे सनरूफ वगैरह के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। और सनवाइजर की बात करें को पैसेंजर साइड, तो यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर वगैरह देखने को मिल जाएगा कार में, और ग्रैप हैंडल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, और 5-स्टार रेटिंग जो है वाली ये कार है। तो अगर इसके जो है ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको ग्लव बॉक्स, कुछ ऐसा डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC के कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे मैक्स कूल का भी ऑप्शन है, तो आप इसे मैक्स कूल वगैरह भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट के जो है सॉकेट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे दो USB पोर्ट, मतलब कि जो है अपने इसको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो और ऑक्स वगैरह से कनेक्ट करने के लिए। तो रियर कैमरे की क्वालिटी चेक करवाओ तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी आपको, जो है एक्टिव गाइडलाइन मिल जाएंगी कैमरे में, जो आपको बताती रहेंगी जो है जब गाड़ी आप रिवर्स करेंगे कहाँ जाके लगने वाली है या कहाँ पे। तो इसको करते हैं न्यूट्रल, यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह मिल जाएंगी, दो कप होल्डर मिल जाएंगे, और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा कार में। यहाँ पे आपको जो है हैंड ब्रेक जो है देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट का यूज़ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी गाड़ी में, और नीचे की तरफ आपको ABC पैडल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और तो चलिए अभी करते हैं इसको बंद और चलते हैं इसके जो है फ्रंट में, और इंजन वगैरह चेकआउट करवाते हैं गाड़ी का। अगर गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है जो है 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 119 HP की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो यानी कि जो है 119 HP की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अगर गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो ये गाड़ी अभी हम खड़े हुए हैं अराचली होंडा में। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या अगर कोई आप होंडा की कार प्लान कर रहे हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी अभी आपको यहाँ पे पड़ती है जो है 17,75,500 रुपये की। इसका जो है ZX
एमटी वेरिएंट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।